हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मरीन बुक 28। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टूल्स के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था पंचेस और ये सब चीज़ क्या होती है। चैप्टर नंबर 2 एमई के जीपी रेटिंग के लिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर दें, शेयर करना, वीडियो ना भूलें। और अगर आपने ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पीछे के जो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे देखें। ये लेक्चर नंबर 5 है, 5 नहीं या 6 है, सॉरी 5वां तो अपलोड हो चुका है, तो यहाँ पे देखेंगे हम। हमने इसमें बेसिक फिटिंग एंड टर्निंग्स वाला ये चैप्टर है, इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें आप स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। सबके बारे में मैंने बताया है। उसके बाद में अभी इसमें थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था वो कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो ये जो भी टूल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ से लेके 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हैं, ये कि सारे के सारे लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। क्या हैं ये? लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स, ओके। ये लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स है, मतलब क्या कि शिप में अगर कोई भी चीज़ को उठाना रहता है तो आप इन इक्विपमेंट्स का यूज करके उसको इजीली लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो पहला वाला है इसको बोलते हैं चेन ब्लॉक, दूसरा है इसको बोलते हैं रेचिट ब्लॉक, ओके। ये चेन ब्लॉक यहाँ पर दिखाया गया दूसरे तरह का है, और ये पुली ब्लॉक है, ओके। सॉरी, ये चेन को कैसे पुल करते हैं, ये यहाँ पर चेन का कंट्रोल दिखाया गया। तो ये क्या है, इस चेन ब्लॉक और रैचेट ब्लॉक के बारे में बताया गया है। ये आपका एक लिफ्टिंग का चैप्टर भी है आगे चल के, जब आप लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स का एक अलग चैप्टर है वो पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन्हें इसको डिटेल में बताया जाएगा कि ये कैसे यूज करते हैं, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं जब आप ये यूज करेंगे तो, ओके। ये तो हो गए लिफ्टिंग डिवाइसेस। उसके नीचे हैं लिफ्टिंग टैकल्स। टैकल्स मतलब इनके साथ में और क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। तो यहाँ पर देखो ये स्वेल हुक दिया गया है, ये हुक है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर ये आई बोल्ट है, सब लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर लगा हुआ था। ये नॉर्मल हुक है और ये पुली ब्लॉक है, ओके। तो ये कोई भी इक्विपमेंट को जब आप लिफ्ट करते हो तो उसमें ये इनका यूज होता है, ठीक है। कैसे यूज करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम लिफ्टिंग डिवाइसेस वाला जो चैप्टर आएगा आगे उसमें डिस्कस करेंगे, ओके। कुछ और थोड़े से टूल्स बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। ये स्टील स्केल है, रेगुलर सब लोगों ने यूज की हुई है। ये स्टील स्केल यहाँ पे है, इसको बोलते हैं राइट एंगल और ट्राई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ओके। नीचे आएंगे तो ये कैलिपर्स हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, ये जो है इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। क्या करता है ये आउटसाइड कैलिपर, किसी भी मेटल की रॉड को या पाइप के डायमीटर को चेक करने के लिए हम आउटसाइड कैलिपर यूज करते हैं, मतलब आउटर डायमीटर चेक करने के लिए। और ये है आपका इनसाइड कैलिपर, जो हम इनसाइड डायमीटर चेक करने के लिए हम चेक यूज करते हैं इनसाइड कैलिपर का, ठीक है। ये देखो, ओके, इससे इनसाइड डायमीटर चेक करते हैं किसी भी पाइप का, और इससे आउटसाइड डायमीटर चेक करते हैं। यह है यहाँ पर वर्नियर कैलिपर, ये देखो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर और ये डिजिटल वाला है, ये दोनों वर्नियर कैलिपर हैं। वर्नियर कैलिपर का यूज क्या होता है, इससे हम इस वाले पोर्शन से आप आउटर डायमीटर चेक कर सकते हैं, इससे आप इनसाइड डायमीटर चेक कर सकते हैं। जब आप इसको मूवमेंट करेंगे तो यहाँ से एक स्टिक निकल के आती है जिससे आप डेप्थ भी चेक कर सकते हैं, और ये पोर्शन से आप थिकनेस भी किसी भी चीज़ की चेक कर सकते हैं, ओके। फिर नीचे आएंगे तो यह है आपका पोर्टेबल हैंड ग्राइंडर, और यह है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ठीक है। यह है क्या, ड्रिल मशीन, जिस सबने देखी होगी घर में लाइट फिटिंग होती है, बिजली की फिटिंग होती है तब भी इसका यूज करते हैं, ओके। तो ये पोर्टेबल हैंड ग्राइंडर है, ये पोर्टेबल ड्रिल मशीन है। तो ये सब बेसिक्स टूल थे जो आप वर्कशॉप में यूज करेंगे। इसके अलावा ऊपर जितने भी टूल्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं, थोड़े से बचे हुए थे तो वो मैंने कवर कर लिए इस लेक्चर में। आपको कोई डाउट्स है अगर इन रिगार्डिंग द टूल्स के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे डाउट्स लिख दीजिए, एंड आई ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। सारे के सारे टूल्स हैं ये देखो, और ये टूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये आपके टूल्स ऑनलाइन एग्जाम में आएंगे, ओके। ये जो मैं दिखा रहा हूँ टूल्स, ये सारे के सारे टूल्स आपके ऑनलाइन एग्जाम में आएंगे, तो प्लीज़ इनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। इन सारे टूल्स के नाम याद रखना शुरू कर दीजिए, जो भी दिखा रहा हूँ ना, ये हैमर हो गए, फाइल्स हो गए, स्पैनर हो गए, ये सब आपका ऑनलाइन एग्जाम में आएगा, कोई नहीं रोक सकता इनको एग्जाम में आने से। एग्जाम में आएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पर सही आंसर देना होगा, ठीक है। तो इसके साथ में ये चैप्टर नंबर 2 हमारा ख़त्म होता है। कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।